नमस्कार, मैं हूँ संगीता वसोया। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा और टेस्ट से भरपूर कॉर्न चाट की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मकई की चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 भुट्टों में से मकई के दाने अलग निकाल लिए हैं। मकई के दानों को सबसे पहले हम उबाल लेंगे। कढ़ाई में 1 लीटर जितना पानी गर्म करेंगे। पानी में उबल आता है वैसे ही हम मकई के दाने कढ़ाई में डाल देंगे। 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। नमक को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रेश और ताज़ी मकई ली है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं उबालेंगे, बस 2 मिनट ही उबालेंगे। ये देखिए, 2 मिनट बाद हमारी मकई अच्छी तरह से उबल गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मकई को इस तरह से छन्नी में डाल के मकई में जो पानी है उसे निकाल लेंगे। अब हम मकई को रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर गर्म होते ही इसमें उबले हुए मकई के दाने डालेंगे। मकई के दाने को बटर में रोस्ट करने से चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मकई के दाने को मीडियम आंच पे 2 मिनट बटर में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मकई को हमने अच्छी तरह से बटर में रोस्ट कर लिया है। 2 मिनट के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। बटर में रोस्ट करे हुए भुट्टे दाने को हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम मकई चाट बनाएंगे। मकई में 1/2 नींबू का रस डालेंगे। चाट में आपको जितना खट्टापन पसंद है उस हिसाब से आप इसमें नींबू का रस टाकू सकता। नींबू के रस को भुट्टे दाने में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 झीणी कापेली प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 बारीक काटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। आपको जितना तिखट पसंद है उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाल सकते हो। 2 बारीक काटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। 50 ग्राम जितने मूंगफली के मसाला सिंगदाना डालेंगे। अब इसमें बेसन के बारीक सेव डालेंगे। आप चाहे तो इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे फ्रेश बारीक काटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को मकई के दाने में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें थोड़े से मसाला ऐड करेंगे। मसालों में 1/2 चम्मच जितना चाट मसाला डालेंगे। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी मकई उबालते समय डाला था, इसलिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। सारे मसालों को चाट में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा टेस्टफुल और चटपटा मकई का चाट। अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी बनाई हुई मकई की चाट आपको कैसी लगी, आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।